हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल अ लाइफ विद हीना। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:45 बज गए हैं, 7:05 हैं और आज की ब्लॉगिंग जो है सुबह से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले किचन में हाथ को मैंने धो लिया है और मैं दुकान से जाकर भी आ गई हूँ क्योंकि मुझे लानी थी सब्ज़ी और सब्ज़ी वहाँ पे थी नहीं, पत्ता गोभी थी। तो पत्ता गोभी मैं बनाऊँगी नहीं क्योंकि कुणाल को है ज़ुकाम खांसी ये सब कुछ है अभी लगा हुआ, तो सबसे पहले हम उसके लिए काढ़ा बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे तैयार हो रहा है काढ़ा, तो अभी मैं गूंदूँगी आटा और ये है मेरा गर्म पानी, तो मैं अपना पानी भी पीऊँगी और आटा भी गूंदूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने शानवी के घर, और आज मैं लेट हो चुकी हूँ और अभी हो रहे हैं 7:25 और यहाँ पे लगा दिया अंकल जी ने अपना ट्रैक्टर। और रात को हुई थी यहाँ पे बारिश जिसकी वजह से सामने के पहाड़ों में बर्फ़ लग चुकी है और थोड़ा मौसम को ज़्यादा ठंडा हो गया है। और यहाँ पे जो मैंने बिजाई की थी, जल्दी से चलते हैं और दूध लेके आते हैं। और यहाँ पे लग चुकी हैं सब्जियाँ, हरा धनिया, मूली और सरसों, और वहाँ पे पता नहीं कब लगेगा। तो अभी मैंने रख दी है कढ़ाई और यहाँ पे रख दिया है तवा। तो सबसे पहले फटाफट से सब्ज़ी बनाते हैं और उसके बाद रोटियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आई है सानवी और आज है इसका हैप्पी बर्थडे, तो हम सब की तरफ से इसे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो अभी आई थी सानवी प्रसाद देने, तो आज 10 अक्टूबर और आज होता है सानवी का बर्थडे। और नाश्ता कुणाल ने कर लिया है और अभी है उसकी दवाई का टाइम, तो उसे दवाई देते हैं और स्कूल भेजते हैं। और कुणाल चल पड़ा स्कूल को। ठीक है, बाय। और ये देखिए, कल मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा दिया और यहाँ पे पैरों के निशान इस मिस्टर के पूरे, मतलब बरंदे में जो इसने पैरों के निशान लगा के रखे हैं, यहाँ तक कि पौड़ियों में भी। ये कौन साफ करेगा? दू थप्पड़, दू थप्पड़, बदतमीज, गंदा बेबी। भूख लगी है? खाना खाना है? भूख लगी है तो पहले चलो इसे खाना दे देते हैं, फिर हम खुद नाश्ता करते हैं। तो जो भी पहली रोटी घर में बनती है वो जो है मैं इस तरह से रख देती हूँ छत पे, ताकि कौवे या चिड़िया जो है इसे खा लें। और ये है आज का मौसम। तो कल रात को जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमक रही थी ज़ोर ज़ोर से, मतलब ऐसे लगा कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हल्की फुल्की बारिश हुई है और पहाड़ों में लग चुकी है बर्फ़, और इसकी वजह से बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो अभी सबका खाना पीना हो चुका है, तो अभी मैं करूँगी नाश्ता। और कोको को भी मैंने दूध और रोटी दे दी थी, उसका फेवरेट है दूध और रोटी, और दही चावल उसका फेवरेट है, तो वो मैंने दे दिया उसे। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आप सबसे मिलते हो। और यहाँ पे सानवी लेकर आई थी प्रसाद, हलवा
और ये मीठे गुलगुले, तो ये तो मैं नहीं खाऊंगी लेकिन प्रसाद में खा लूँगी इसके बर्थडे का। तो खाना पीना हो चुका है और अभी करेंगे बर्तन की सफाई, घर की सफाई, उसके बाद करेंगे अपनी सफाई। चलिए बर्तन साफ करते हैं। झाड़ू पोछा देख के फ्री, और आंटी जी ने मुझे आवाज़ लगाई कि हिनू मुझे प्यास लगी, पानी लेके आओ। तो मैं जा रही हूँ उनको पानी देने, उसके बाद जो है मैं नहाऊँगी। तो आंटी अभी अकेले लगे हुए हैं घास काटने, तो मैं कोई तेज़ तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी काट लेती हूँ, तो मैं भी घास काटूँगी अभी। अभी बच चुके हैं एक और अभी मैं नहाऊंगी, और काम ख़त्म हो चुका है खेतों का। थोड़ी सी हेल्प कर ली मैंने आंटी की, क्योंकि इतनी तेज़ तो मैं हूँ नहीं घास निकालने में, लेकिन फिर भी ऐसे बातें करते हुए ना थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रहे हैं 2:30 और मैं नहा कर आ चुकी हूँ और बालों में मेरी कंघी हो चुकी है। तो मुझे हो चुका है ज़ुकाम, और आवाज़ से आपको लग रहा होगा पता, मेरी आवाज़ मोटी मोटी सी हो गई है, तो ज़ुकाम हो चुका है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे घर से नीचे ना बर्तन बेच रहे हैं लोग, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। अब इसकी क्वालिटी कैसी है वो मुझे नहीं पता, तो मैं जाऊँगी नीचे। देखो इसके पास घर ही नहीं बेचारे के पास, ये रास्ते में सो के बैठता है, इसके पास घर ही नहीं है। और घर का दरवाज़ा करते हैं बंद, और क्योंकि जब मैं सुबह घर की सफाई कर रही थी उस समय आंटी जी की आवाज़ आई थी मुझे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ना सांप का जो छिलका रहता है, कैंचुई क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो वो है यहाँ पे। तो मुझे डर है कि जो है सांप जो है घर के अंदर ना घुस गया हो। तो चलते हैं आंटी जी के पास। आंटी क्या कर रहे हैं? मैं आपका ब्लॉग बना रही हूँ। चलो बर्तन देखते हैं कैसे कैसे बर्तन, अच्छी क्वालिटी बर्तन की, मतलब भारी है या हल्की वाली है। चलो बर्तन देखते हैं। और यहाँ पे कोको देख रहा है मैं, कोकी आ जा, अच्छा अच्छा। और ये है मेरे गांव की मार्केट। नहीं बना भी सकते इसमें तो ना? ये सारे बर्तन रखे हैं यहाँ पे, क्वालिटी भी अच्छी है। तो बहुत ज़्यादा ज़ुकाम की वजह से आप देख सकते हो आंखें बंद हो रही है और छींकें आ रही बहुत सारी। तो अब मैं बनाऊंगी मैगी बहुत सारी मिर्ची डालकर, फिर हम इसे खाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। और कुणाल भी आ चुका है, देखिए कुणाल, और यहाँ पे बुखड़ बच्चा बैठा नीचे।
तो सॉरी दे इसको थोड़ा सा, देख रहा वो थोड़ा सा दे, इतना मत दे बोलो। हाँ सॉरी। और यहाँ पे बन रही है चाय, और यहाँ पे बन रही है मैगी, और यहाँ रखी है मैंने एक्स्ट्रा मिर्ची काट के, और ये जाएगी मेरी प्लेट। तो मैं मैगी खाऊंगी, साथ में चाय पीऊंगी, और साथ में देखूंगी संभावना सेठ का ब्लॉग। जैसे आपको मेरा ब्लॉग पसंद है सॉरी जैसे आपको मेरा ब्लॉग देखना पसंद है, वैसे मुझे भी संभावना सेठ का ब्लॉग देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उस ब्लॉग को इंजॉय करूँगी और आपसे मिलती हूँ उसके बाद। हेलो एवरीवन, तो शाम के हो रहे हैं 4:45 और सनसेट हो चुका है, और मैं आई थी पर लैंटर पे, और दुकान से क्या हालत हो चुकी है, आंखें भरी भरी सी हो गई है। और यहाँ पे कोको साथ में, और ये शाम का व्यू। और ये हो रही है बर्तन वालों की पैकिंग। और अभी हो रहे हैं शाम के 7, और मेरा खाना तैयार है। तो यहाँ बनाई है मैंने दाल, जो काली और पीली रहती दोनों मिक्स, इसे कहते हैं दली माँ चने की दाल। तो ये है हमारी दाल। और आज ज़ुकाम था मुझे, तो बहुत मन कर रहा था कढ़ी खाने का, तो मैंने साथ में कढ़ी भी बनाई है पतली सी। तो ये है हमारी कढ़ी दाल चावल। तो अभी हो रहे हैं 7, हमारा खाना बन चुका है। और मुझे ना जब मुझे ज़ुकाम होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, छींक आ गई थी मुझे सॉरी। तो जब ज़ुकाम रहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बस मन करता है खाते जाऊँ खाते जाऊँ। तो अभी खाएंगे खाना, उसके बाद मैं सरसों के तेल से जो है अपने पैरों में मालिश करूँगी, अपने कान में और नोज़ में भी लगाऊँगी, और फिर पियेंगे हल्दी वाला दूध। दवाई मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी देखूँगी एक पैरासीटामोल ले लूँ तो सोचेंगे इस बारे में। तो इस ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।